नमस्कार दोस्तों, चलिए आज एक न्यू वीडियो के साथ आप लोग के पास आए हुए। सबसे पहले अपना कंप्यूटर कंट्रोल पैनल ओपन करिए। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं हार्डवेयर एंड डिवाइस दिख रहा है, तो हार्डवेयर एंड डिवाइस में जो है कि जाने के बाद उसको क्लिक करते हैं और जो प्रिंटर आपका शो कर रहा है विंडोज 10 के चलते बाई डिफॉल्ट एक ड्राइवर लेता है, तो उसको राइट क्लिक करने के बाद एक प्रिंटिंग प्रिफरेंस में जाते हैं और आपका यहाँ पर अगर मान के चलिए आपका मेंटेनेंस नहीं आता है तो आप कोई भी इप्सन का कोई भी सीरीज में अगर मेंटेनेंस नहीं आ रहा, हेड क्लीन नहीं कर पा रहा, तो फिर कैसे करेंगे उसके लिए आज जो है कि हम वीडियो पे दिखाने वाले। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा था, तो उसके लिए आपको क्या गूगल ओपन करना होगा। गूगल ओपन करने के बाद जो भी मॉडल का आपका प्रिंटर है फ्रेंड्स उसको जो है कि यहाँ पर टाइप करके सर्च करना होगा। जैसे मेरा इप्सन यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ इप्सन L565 मॉडल का हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन के बारे में दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मेरा ये प्रिंटर था तो मैंने यहाँ पर लिखने के बाद जो है कि इसको यहाँ पे क्लिक किए और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके पास यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको गो करते हैं और ड्राइवर में जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो मेरा एक्चुअली मुझे यहाँ जिसे हेड क्लीन करना था, बट यहाँ मेरा हेड क्लीन के ऑप्शन नहीं आ रहा था और इप्सन प्रिंटर का कोई स्टेटस भी यहाँ पे मेरे को नहीं मिल रहा था। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं इस ड्राइवर को एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, अगर आपका सिस्टम में ड्राइवर प्रॉपरली नहीं रहता है तो भी आपका जो है कि मेंटेनेंस वहाँ पे नहीं सब करता है। तो यहाँ से आपको जो है कि पहले ड्राइवर को इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ जैसे डाउनलोड कर लेता फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के बाद इसको डबल क्लिक करके एक बार इंस्टॉल करता है। देखिए यहाँ पे यस का ऑप्शन आया फ्रेंड्स, इसको जो है कि यस कर लीजिए। टोटली आज बने रही मेरे चैनल पर आप लोग को जो है कि हम दिखाने वाले हैं। अगर बहुत सारे कॉमेंट आता है मुझे कि मेरा हेड क्लीनिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, प्रिंटर के स्टेटस चेक नहीं कर पा रहा, दिख नहीं रहा, बट मेरे कंप्यूटर से प्रिंटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, तभी तो मैं प्रिंट कर पाता हूँ। तो इस सब से बचने के लिए आज जो है कि हम आज इस वीडियो पे आप लोग को हम दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ एक्सेप्ट एग्री करने के बाद इसको जो है कि ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद बने रहिए मेरे चैनल पे और काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे अगर नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम हमेशा आप लोग को टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं और टेक्निकल वीडियो भी आप लोग के लिए हम लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद चलिए एक बार फिर से कंट्रोल पर जाने के बाद डिवाइस एंड प्रिंटर पर जाते हैं और जो प्रिंटर आपका है वहाँ राइट क्लिक करके जो है कि प्रिंटिंग प्रिफरेंस पर जाते हैं। प्रिंटिंग प्रिफरेंस जाने के बाद देख सकते फ्रेंड्स यहाँ जो कि मेंटेनेंस आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ मेंटेनेंस आ गया, यहाँ प्रिंटर का स्टेटस को भी एक बार स्टेटस मॉनिटर 3 किया, तो देखिए यहाँ रेडी बता रहा है। यहाँ से हेड क्लीन कर सकते हैं, नोजल क्लीन कर सकते हैं, सारे क्लीन भी यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगे वीडियो काइंडली कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो साथ, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।